नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों पर। राजधानी में करीब 2100 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। शहर में महापौर पद के लिए 8 प्रत्याशी जबकि 85 वर्षों से करीब 398 प्रत्याशी पार्षद के लिए चुनावी मैदान में है। सुबह से ही सभी प्रत्याशी मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं से अपने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते नजर आए। समय जगत की टीम भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मौजूद रही और मतदान केंद्रों पर जायजा लेने हुए लोगों से चर्चा की। वहीं इस मौके पर समय जगत के वरिष्ठ संवाददाता संदेश नीमा ने भी मतदान को लेकर अपने विचार रखे। 7 साल बाद हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में अब जो जनता है वो नगर सरकार चुनने जा रही है, जिसको लेकर सुबह लगातार 7 बजे से वोटिंग कर रहे हैं। शहर में करीब 2100 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसपे सुबह से ही वोटिंग जारी। आप देख सकते हैं कि पुराने भोपाल में जो लोग हैं वो मतदाता हैं, सुबह से ही यहाँ पे इक्का दुक्का करके आ रहे हैं और मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लंबे समय से नगर सरकार नहीं बनी थी, ऐसे में अब जो लोग हैं उनको एक अपनी सरकार चुनने का मौका मिला है, जिसको लेकर अब लगातार घर से निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। हमारे समय जगत के वरिष्ठ संवाददाता संदेश नेमा जी भी लगातार सुबह से ही नज़र बनाए रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की अभी देखें तो मतगणना हो चुकी है, रुझान कितना है लोग? मतदान अभी लगभग ये मानना चाहिए कि 40% से ऊपर यहाँ जिस वार्ड में मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ हो चुका होगा लगभग, और सभी समुदाय के लोग मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी अपने घरों से निकल रहे हैं। भगवान इंद्र ने भी आज मेहरबानी की है कि आज बारिश नहीं हो रही है, इसका असर भी मतदान पर देखने को मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़कर मतदान में आ रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। क्या लग रहा है सर, 8 महापौर प्रत्याशी हैं, 398 पार्षद पद प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से लग रहा है कि जो आगे जो स्थिति क्या बन रही है? देखिए, ये तो अब इस स्थिति में हम तो अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये कहने का अधिकार भी नहीं है और मतदाता साइलेंट है। मतदान किसको कर रहा है ये मतदाता बिल्कुल नहीं बताता है। ये तो 17 तारीख को ही रिजल्ट पता चलेगा कि जीतेगा कौन, राजयोग किसकी किस्मत में है। अभी बात करें तो कितने प्रतिशत जाने की उम्मीद है शाम? लगभग 60-65% मतदान मुझे उम्मीद लगती है कि ये जाएगा। तो लगातार जो हमारी टीम है वो नज़र बनाए हुए है। भोपाल में अभी तक बात करें तो 20-25% तक वोटिंग हो गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 65-70% तक वोटिंग भोपाल में होगी। हालांकि देखना होगा कि 17 तारीख को ही रिजल्ट सामने आएगा, जिसके बाद ही ये साफ होगा कि आखिर विजय किसकी होती है। कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी, समय जगत, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।